सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्रितात् सत्यमुपैमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तुकलम पढ़ रहे थे अंशुमान घोड़े को लेकर के और अपने दादाजी के पास आते हैं सगर के पास आते हैं और उनको पूरा वृत्तांत सुनाते हैं अपनी यात्रा का किस प्रकार से वो गए कैसे उन्होंने अपने पितरों को भस्म हुए हुए देखा वहाँ पे और फिर सुपर्ण ने उनको क्या समझाया पक्षीराज गरुड़ ने क्या समझाया वो सारा वृत्तांत उनको सुना दिया इन्होंने आकर के त्वरितम हयम आदाय पुनः आयात महातपा फिर से आ गए ततो राजानम आसाद्य और फिर राजा को प्राप्त करके राजा के पास आकर के दीक्षितम जो राजा यज्ञ में दीक्षित हो चुके थे यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे तो हे रघुनंदन यथावृत्तम निवेदयत पीछे का सारा वृत्तांत अपनी यात्रा का राजा को निवेदन किया सुपर्ण वचनम तथा और वैसे ही सुपर्ण से जो उसका वार्तालाप हुआ उसको भी उन्होंने राजा सगर के समक्ष प्रस्तुत किया तो ये हम कल वृत्तांत पढ़ रहे थे पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं माता को दे दो भाई ओम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पक्षी गरुड़ पक्षी है और सगर के फिर वो तो इंसान है तो उनकी बहन पक्षी नहीं है ये भी इंसान है अच्छा हाँ तो कल तो मैंने बताया था सुपर्ण का अर्थ अच्छे हैं पर्ण जिसके पर्ण माने पंख को कहते हैं पंख मतलब कुछ ऐसे उपाय जिनसे जीवन की यात्रा में हम आगे बढ़ सकते हैं तो यज्ञ और योग ऐसे बताया था ना और इनकी बहन सगर की पत्नी थी या आयुष्मान की जो आप दादा करे नहीं तो पड़ दादा लगी ना ना इनकी जो बहन है हाँ, गरुड़ की हाँ, वो सगर की पत्नी है हाँ, और ये जो थे 60,000 लोग हाँ, मारे गए चाचा हाँ, आदि हाँ, उनके ये मामा हो गए ना फिर हाँ, साठ हजार वाले मामा हाँ 60,000 के ही मामा थे हाँ, मैं आयुष्मान के नहीं अंशुमान के नहीं अच्छा, जो जो भस्म हो गए उनके मामा है ठीक। ओम दीदी जी चरण वंदन दीदी जी कल आपने बताया कि हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा थी तो हिमालय तो जड़ है तो पुत्री कहाँ से हो गई हिमालय एक राजा भी हुए हैं और हिमालय एक पर्वत है जी। तो पुत्री तो होती है मनुष्य की जी। और जब हमें जड़ प्रकृति का भी वर्णन करना होता है तो हम ऐसे ही कर देते हैं कवि ये काव्य है ना हाँ तो इसलिए कह दिया कि ये उनकी पुत्री है मतलब हिमालय जो पर्वत थे वो अलग है और राजा थे वो अलग है हाँ जी। लेकिन यहाँ तो हिमालय पर्वत के बारे में ही कहा जा रहा है क्योंकि गंगा यहाँ पर नदी है एक जी। तो वो हिमालय से निकलती है तो कह दिया ये इनकी पुत्री ही है आलंकारिक वर्णन जी ओम दीदी जी एक कुछ शब्दों का अर्थ हमको जानना था कृतार्थ का अर्थ क्या होता है जी कृतार्थ मतलब होता है कृत अर्थ कृत माने पूरा हो गया है या कर लिया है अर्थ माने प्रयोजन
पूरा कर लिया है प्रयोजन जिसने, उस व्यक्ति को कहेंगे कृतार्थ। तो प्रयोजन क्या है जो पूरा कर लिया? प्रयोजन है भोग और अपवर्ग मनुष्य का। तो जिसके भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन पूरे हो गए हैं वो व्यक्ति कृतार्थ। कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। सूत्र पढ़ा ना आपने, ये संसार किसके लिए नष्ट हो जाता है? कृतार्थ के लिए, जिसका प्रयोजन पूरा हो गया, जिसने अपवर्ग को प्राप्त कर लिया तो प्रयोजन पूरा, तो उसके लिए संसार होते हुए भी नष्ट हो जाता है, उसको संसार से अब कुछ नहीं लेना देना। लेकिन जो अन्य व्यक्ति रह गए साधारण हमारे जैसे, जिनका अभी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, उनके लिए ये चलता रहता है। चरितार्थ का क्या अर्थ होता है? चरित कर लिया है अर्थ को जिसने, प्रयोजन को जिसने, वही है चरितार्थ। कृतार्थ का ही दूसरा शब्दों में कहा जा रहा है चरितार्थ। आचरण में आ गया है प्रयोजन जिसके, तो भोग अपवर्ग जिसने जीवन में उतार लिया है, जीवन मुक्त जो हो गया वो हो गया चरितार्थ। आत्मसात, आत्मसात भी वही है, आत्म के स्वरूप को जिसने जान लिया है उसको कहेंगे आत्मसात कर लिया इसने जी, स्वयं को जान लिया। और कर्मठ शब्द आता है, ये किस में? कर्मठ जी, कर्मठ माने अत्यंत पुरुषार्थी जी। कर्मणि स्थितः स्थन प्रत्यय, तो कर्म में दृढ़ता से जो स्थित हो गया है उस व्यक्ति को कहेंगे कर्मठ, जिसको ये कर्तव्यनिष्ठ एक हाँ, कर्तव्य में निष्ठा है जिसकी, निष्ठा निश्चयन तिष्ठा, निश्चित रूप से जो ठहर गया है उसको निष्ठा कहते हैं, स्थित हो गया है। गीता में आया ना ये शब्द, निष्ठा शब्द का बहुत सुंदर वहां पर अर्थ किया है जी। तो निष्ठा क्या होती है? जो निश्चय पूर्वक ठहर जाता है किसी विषय में उसको निष्ठा कहते हैं। अध्यात्म में ठहर गया तो अध्यात्म के प्रति निष्ठा, कोई देशभक्ति में निश्चय पूर्वक ठहर गया तो देश निष्ठा, कोई अपने गुरु के वचनों में ठहर गया तो गुरु निष्ठा, इस तरह से जी। और जी जैसे ऐसे कहा जाता है कि ये पूरी सृष्टि परमात्मा ने बनाई जी, तो इसमें तो प्राकृति, कोई डाउट है आपको इसमें? ये हम सोच रहे थे कि जो जैसे प्राकृति, मूल प्राकृति है जी, वो तो प्राकृति नहीं, प्रकृति, प्रकृति जी हाँ, वो तो परमात्मा ने नहीं बनाई जी, वो तो नित्य है, तो फिर हम ये कैसे, किस तरीके से माने कि सब परमात्मा ने, क्योंकि पूरी जो ब्रह्मांड है वो तो मूल, कौन बनाएगा और उसके अलावा कोई चेतन है नहीं? चेतन एक तो मनुष्य है, एक परमात्मा है जी। मनुष्य बना नहीं सकता इतनी बड़ी और इतनी सुंदर और इतने विविध प्रकार की, मनुष्य तो अपना घर मकान नहीं बना सकता, सृष्टि तो कहाँ बनाएगा, तो फिर और कौन बनाए? चेतन एक ही बचा तब तो। ये तो है जी कि प्रकृति परमात्मा की प्रेरणा से उसमें जड़ है ना, वो जड़ कुछ भी नहीं कर सकता है, जड़ कर नहीं सकता ना कुछ भी, आज भी नहीं कर सकता जी। कल भी नहीं कर सकता था, परसों भी नहीं कर सकेगा, जड़ गति नहीं कर सकता है जी। तो इसमें मूल प्रकृति तो हम पर नित्य ही मानेंगे ना? हाँ नित्य है मूल प्रकृति तो जी। पर जड़ है ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है, जड़ कोई भी पदार्थ कोई गति नहीं कर सकता है, उसमें गति आ नहीं सकती है चेतन के बिना, तो इसलिए परमात्मा को मानना जरूरी है जी। एक दिन स्वामी जी ने एक वाक्य बोला था कि जब हम सहजता की पराकाष्ठा में चले जाते हैं तो हम उस ब्रह्म में एकाग्र हो जाते हैं, तो इसका अर्थ हमको समझ नहीं आया। जैसा आपने पहले भी पूछा था सहज जी, सहज पूछा, सहज जन्म के साथ जो मिलता है उसको सहज कहते हैं, तो जन्म के साथ बच्चे के चित्त की स्थिति कैसी होती है? सब दोषों से मुक्त होता है ना, तो उस अवस्था को सहज कहते हैं। जन्म के साथ जो अवस्था होती है, ऐसा जब चित्त व्यक्ति का हो जाता है, अर्थात दोष रहित, विकार रहित, निर्विकार, तो उसकी पराकाष्ठा माने दोषों का अत्यंत अभाव, तो ये उसका अर्थ है सहजता की पराकाष्ठा में जीना। तो बच्चे होते हैं सहज होते हैं, सरल होते हैं जी।
इसमें ये था कि हम यो भी कार्य करें, स्वामी जी बोल रहे थे हमको ब्रह्म प्राप्ति को मध्य रख के करना चाहिए। तो इसका अर्थ हमको ये समझा रहे कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य भी करते हैं, हमको देखना चाहिए कि इस कार्य से हमारा प्रभु प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसी सोच के करना चाहिए। ये एक तरीका है। और दूसरा ये तरीका है कि मतलब प्रभु ही है उसमें भी, प्रभु से अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। एक तो हो गया कि प्रभु कहीं अलग और उसको प्राप्त करने का ये साधन अलग, मेरा कर्म अलग और प्रभु अलग। और दूसरा हो गया कि जो कर रहा हूँ वो प्रभु का ही रूप है, तो वही मंजिल है, फिर वो साधन नहीं रहेगा, वो साधन और साध्य एक ही हो जाएंगे। एक दृष्टि से संसार सारा साधन और संसार से अतीत विश्वातीत जो रूप है वो हमारा साध्य, विश्व साधन विश्वातीत साध्य। और दूसरा है कि ये संसार जो है ये भी भगवान का ही रूप है, ये विश्वमय रूप है और एक उसका रूप विश्वातीत है जी। तो ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। अभेद दृष्टि, जो अद्वैतवाद की दृष्टि जिसको कह सकते हैं जी। तो इसमें तो फिर यही रहता कि हर कार्य हम ये सोच के करें, फिर भी कर्मयोग तो जैसे आप कह रहे हो जी उसको मान ले, तो कर्मयोग तो अलग रहेगा ही नहीं, अलग नहीं रहेगा ना, तब साधन ही साध्य हो जाता है तब ना, तो कर्म नहीं रहेगा, वो पूजा ही हो गई। क्योंकि ईश्वर को भी प्राप्त करके आप क्या करोगे, उसको प्रणाम करोगे, स्तुति करोगे, बातचीत करोगे, कुछ तो करोगे ना जी। तो आपका कर्म ही आप समझ लो ईश्वर ही है, तो उससे करो बातचीत। ये दो शब्द और रह गए जी, निश्रेय और निश्रेयस जी, निश्रेयस। एक और थोड़ा सा अभ्युदय, हाँ जी अभ्युदय, अभ्युदय निश्रेयस जी। वैशेषिक दर्शन का सूत्र है, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो जी, हाँ अगले साल आएगा आपके। किसी व्यक्ति ने पूछा धर्म क्या है, धार्मिक बनना है ना हमें जी, तो महर्षि कणाद ने कहा यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, कुछ ऐसे कर्म ऐसे आचरण ऐसी क्रियाएं यत जिनसे अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, अभ्युदय की भी सिद्धि हो और निश्रेयस की भी सिद्धि हो वो धर्म है। केवल मात्र अध्यात्म को जीने वाले हैं वो भी धर्म के एक अंग को जी रहे हैं। जिनके पास स्थूल रूप से दरिद्रता है हर चीज की, तो वो लोग धर्म के एक अंग को जी रहे हैं, पूर्ण धार्मिक नहीं बन पाए वो। और दूसरे हैं जो केवल ऐश्वर्य में भोगों में जी रहे हैं, उसकी तो पराकाष्ठा है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है उनके अंदर बिल्कुल भी। तो वो कहते हैं कि यही धर्म है, खाओ पियो मौज करो आनंद से जियो, और वो वैसा जी भी रहे हैं, पुरुषार्थ भी किया है, लेकिन वो भी धर्म के आधे रूप को ही जी रहे हैं, वो भी पूर्णता नहीं है। तो व्यक्ति बाह्य दृष्टि के जितने ऐश्वर्य हो सकते हैं उससे भी संपन्न हो और उन सब ऐश्वर्यों को प्राप्त करके उसमें लिप्त ना हो, उनसे निर्लिप्त रहता हुआ अपने स्वरूप में भी स्थित रहे, समता में स्थित रहे, ये निश्रेयस की सिद्धि है जी। और जो दोनों को बैलेंस करना जानता है उस व्यक्ति को कहेंगे धार्मिक। कोई ऐसा योगी जैसे श्रद्धे स्वामी जी महाराज हैं, अन्य भी और भी हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि और कोई भी नहीं है, ऐसे बहुत महापुरुष हैं आज भी हैं जिनके पास लौकिक ऐश्वर्य भी है और वो उसको सेवा में भी लगा रहे हैं, उस व्यक्ति को कहेंगे धार्मिक। तो अभ्युदय कहते हैं मोक्ष से पहले जितने भी प्रकार का ऐश्वर्य है वो सब अभ्युदय में आता है। अभ्युदय का अर्थ केवल रुपए पैसे मत समझना आप जी। कुछ लोग अभ्युदय का अर्थ करते हैं रुपए पैसे, मकान, बंगला, गाड़ियां, मोबाइल, कपड़े, नहीं ये अर्थ नहीं है उसका। अभ्युदय का मतलब है अच्छा मन, अच्छी बुद्धि, अच्छे निर्णय, सेवा, ये सब अभ्युदय में। मोक्ष से पहले जो जो कुछ भी है, यहाँ तक कि रितंभरा प्रज्ञा भी अभ्युदय के अंतर्गत ही आएगी।
और सब अभ्युदय में आता है, तो वो सब भी प्राप्त करना है। मोक्ष के साधन कह सकते हैं इनको? हाँ, मोक्ष के साधन है ये सब अभ्युदय जी। और उससे जो मिल गया वो फिर निश्रेयस मोक्ष जी। ठीक, और कोई प्रश्न किसी का जी? कल आचार्य जी वहाँ पे सत्संग करा रहे थे तो कह रहे थे कि जो जो सौभाग्यशाली है वो ही यज्ञ में भाग ले पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन कुछ कार्य हैं उनके पास नहीं जा पाते, तो क्या उनके भाग्य नहीं है उनसे? कि बिना सौभाग्य के अच्छे स्थान में जाने का, अच्छे कर्म करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल सच है ये, जो भी कारण हो। वो कई बार ऐसे भी होता है ना कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, अवसर नहीं मिलता है। और जिसको अवसर मिल गया, जैसे मैं तो अपने बारे में ऐसे सोचती हूँ, जैसे मेरे को संगठन में इतनी बहनों के साथ सेवा करने का अवसर मिला, और मैं तो देखती हूँ मेरे संगठन में मेरे से बहुत ज्यादा ऐश्वर्य संपन्न, विद्या संपन्न और पुरुषार्थ संपन्न बहुत सारी बहनें हैं, मेरे से भी अच्छी हैं। मेरे को अवसर मिल गया तो कितना बड़ा सौभाग्य है ये। कितने लोग हैं देश में जो पढ़ना चाहते हैं वेद, दर्शन, उपनिषद, उनकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है आप लोगों से, आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, चरित्र भी बहुत पवित्र है उनका, बहुत अच्छे कुल खानदान में भी पैदा हुए हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप आ गए, कितना बड़ा सौभाग्य है ये। जब हमारे ऊपर सौभाग्यों की वर्षा हो रही होती है तब भी हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते, हमें जागरूकता नहीं होती, क्योंकि हमने ऐसे अन अवेयरनेस के संस्कार बना लिए हैं। अब चतुर्वेद पारायण यज्ञ और बिल्कुल घर में हो रहा, लाखों रुपए लगते हैं उसमें, 25-30 लाख रुपए खर्च करके तब कहीं ऐसा यज्ञ हो सकता है। हमारे यहाँ और हमें पता ही नहीं है, और वहां जाते भी हैं तो कुछ तो घूमते ही रहते हैं, एक बार बैठे थोड़ी देर, फिर बाहर घूम के आए, फिर वॉशरूम गए, फिर पानी पीने गए, वो मतलब ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये वेद की वाणी जो गुंजायमान हो रही इसका क्या अर्थ है, मैं थोड़ा इसको जानने की कोशिश करूं, या अर्थ भी चलो नहीं आता है, व्याकरण नहीं पढ़ा है, निरुक्त नहीं पढ़ा है, तो कम से कम कान से सुन के एकाग्रता से उसको अपने अंदर स्कैन करने की कोशिश करूं, या उसको श्रद्धा पूर्वक सुन करके अपने श्रद्धा वाले तत्व को बढ़ाऊं। मतलब अब वहां जाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन वहां से जो लेके आते हैं वो उपलब्धि सबकी अलग अलग है, एक ही नहीं है सबकी। तो जो सबसे ज्यादा लेके आता है वहां से, वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। ऐसा भी नहीं है कि जो चले गए वो सारे ही सौभाग्यशाली हैं, अगर वहां जाके भी खाली आ गया तो फिर काहे का सौभाग्यशाली है। और ये तो चलो एक अनुष्ठान, ऐसे देव पुरुष, विद्वान पुरुष, स्थान का महत्व नहीं होता है, व्यक्ति का ज्यादा महत्व होता है स्थान से ज्यादा। उस स्थान के ऊपर कौन व्यक्ति है उससे दिव्यता आती है, तो वहां जो बोलने वाला है उसकी दिव्यता, प्लस जो सुनने वाले हैं उनकी दिव्यता, बैठने वाले हैं उनकी दिव्यता, सब लोगों की दिव्यता मिलकर के फिर उस स्थान की दिव्यता बनती है। और यदि जागरूक नहीं है तो दिव्यता के बीच में बैठा हुआ है तो भी उसको नहीं पता है। दुख तो थोड़े होते हैं जीवन में, सुख के अवसर ज्यादा होते हैं, लेकिन मनुष्य ने ऐसा अपना बना लिया स्वभाव और संस्कार कि सुखों के प्रति अवेयर नहीं होता है, और दुख कभी कभार भी आता है तो उसके प्रति बहुत ज्यादा अवेयर होता है। एक छोटा सा दुख आया तो कई दिन उसके प्रति वो कॉन्शियस रहता है, और उसके इतने गहरे संस्कार बना लेता है चिंतन कर करके कर करके। किसी व्यक्ति को मानो मैंने 1 साल तक या 2 साल तक एक बार भी नहीं डांटा, कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो कोई कठोर शब्द हो, और 2 साल के बाद एक दिन डांटा, और वो भी पूरे दिन नहीं डांटा, एक दिन भी 5 मिनट के लिए कुछ बताया, लेकिन वो बहुत कड़वा कड़वा था। तो अब वो 2 साल वाला उसको याद नहीं रहता है, ये 5 मिनट वाला उसको कई दिन याद रहता है, कई महीनों रहता है, कभी वर्षों रहता है,
और कभी तो व्यक्ति ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है, बोले इसको तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। तो ये अभिशाप किसके लिए? यदि आप जिंदगी भर इस चीज को संभाल के रखोगे कचरे को, तो अभिशाप किसके लिए बनेगा? ये हमारे लिए ही बनेगा ना। मानो घर में कहीं से कोई कूड़ा करकट उड़ के आ भी गया और अब आप कहते हो इस कूड़े को तो मैं जिंदगी भर अपने घर में रखूंगा, तो वह मच्छर पैदा होंगे, वो काटेंगे किसको? घर वाले को ही काटेंगे, रहने वाले को, उसको क्या रखना? रखना ही यदि है तो जो अच्छा अच्छा मिला था उसको सहेज के रखो, वो हमारे काम का है। इतनी अच्छी अच्छी बातें भी तो कभी बताई होंगी ना, तो उस सब को स्टोर करके रखो। और जो कभी आपको पसंद नहीं था वो आ गया, उसको जितना जल्दी हटा सको उसको हटाओ, तो ऐसे होना चाहिए। तो सौभाग्य या दुर्भाग्य, अब जिस दिन यज्ञ का प्रारंभ हुआ उस दिन शुक्ल पक्ष का भी प्रारंभ प्रतिपदा थी ना, उस दिन उत्तरायण का भी प्रारंभ, चतुर्वेद पारायण यज्ञ का भी प्रारंभ, कितना सु अवसर है। लेकिन हमारे जीवन में जब भी हम शुभ की तरफ, अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ चल पड़ते हैं, वो ही उत्तरायण है। यदि हम नहीं चले तो उत्तरायण दक्षिणायन बराबर ही है। यदि हमने अंदर से प्रकाश के लिए अभीप्सा नहीं की तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष एक ही है, फिर उसमें क्या फायदा है? फिर तो दोनों बराबर ही है, फिर सतयुग कलयुग सब बराबर ही है। कुछ लोगों के लिए तो त्रेता द्वापर सब बराबर है, पर जो व्यक्ति जागरूक है उसके लिए महत्व होता है। तो वहां जाने वाले निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जो क्योंकि अब कुछ किया गई परीक्षा तो मुंह बना रहे हैं, हमारा सौभाग्य कहाँ चला गया? आप अपने ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है इसको आप निष्ठा से पढ़ें, फिर उसमें फिर शामिल हो जाना, और यहाँ रहते हुए भी आपकी श्रद्धा बनी हुई है तो आप भी सौभाग्यशाली ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो जो वहां नहीं आ पाते हैं वो बिल्कुल दुर्भाग्यशाली, ऐसे तो नहीं कहा ना, अगला वाक्य तो नहीं कहा, वो भी सौभाग्यशाली ही हैं क्योंकि वो दूसरे यज्ञ में लगे हैं। तो यज्ञ तो कई प्रकार का है, तो कर तो यज्ञ रहे हैं ना, तो वहां द्रव्य यज्ञ हो रहा है, यहाँ ज्ञान यज्ञ हो रहा है, कहीं सुमिरन यज्ञ जप यज्ञ हो रहा है, कहीं तप यज्ञ हो रहा है, लेकिन व्यक्ति को रहना चाहिए यज्ञ की स्थिति में। तो फिर वो जिस जिस यज्ञ में भी लगे, कोई सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं, जो जो यज्ञ में लगे हैं वो सब के सब सौभाग्यशाली हैं। व्यक्ति कहीं भी रहे यज्ञ में लगे, नहीं तो सारे वहां बैठे यज्ञ करने के लिए, तो यज्ञ के बाद जो नाश्ते करने के लिए आप चले जाते हो वो कहां से खाओगे? यदि वो भी हवन कुंड के पास ही आके बैठ जाएं तो खाना कौन बनाएगा? वो सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। सफाई करने वाले भी वहीं आके बैठे तो जाते ही कमरा गंदा मिलेगा फिर। तो सबका यज्ञ अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो आप भी ज्ञान यज्ञ में लगे हैं, या जो नहीं जा पाते हैं वो भी यदि किसी ना किसी यज्ञ में लगे हुए हैं तो वो भी सौभाग्यशाली ही हैं। ठीक दीदी, अभी जो आप बोले हैं, मनुष्य को जब जन्म होता है उसी समय चित्त पूरा शून्य अवस्था में रहता है। शून्य अवस्था में? जैसे कोरा कागज होता है। नहीं, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला। कोरा कागज आप बोल रहे हो, मैं नहीं कोरा कागज के मैं बोल रहा हूँ, कोरा कागज जैसा सफेद रहता है। ना ना, नहीं रहता है सफेद कोरा कागज जैसा, बहुत कुछ है उसके पास, ऐसा नहीं होता है, कोई कोरा कागज नहीं होता है। मैं तो रोज ही बोलती हूँ इस बात को, आपको इतने दिन तक समझ में क्यों नहीं आया? पीछे का सारा उसके साथ है, लेकिन वो प्रसुप्त अवस्था में है, वो उसके अंदर विकार पैदा नहीं कर रहा है, निर्दोष है उसका मन, ये मैंने बताया। सहज जन्म के साथ जैसे जैसे वो अभिव्यक्त होते जाएंगे क्लेश, वैसे वैसे दोष आते चले जाएंगे। उस बच्चे के अंदर राग भी है, द्वेष भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, सब दोष हैं उसके अंदर, इसीलिए तो आया। लेकिन अभी वो अनभिव्यक्त हैं,
जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो क्लेश जैसे 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 जगने लगेंगे वैसे वैसे दोष आते जाएंगे। चलें आगे, और कोई प्रश्न है बोलो। ओम दीदी जी, दीदी जी आपने भी बताया कि प्रकृति जड़ है, यह चलायमान नहीं है, लेकिन प्रकृति का ही एक तत्व वायु है जो चलायमान है। चेतन ने चलायमान किया है ना उसको जी। आपने वायु ही क्यों लिया? जल भी चलायमान है, वायु भी है, अग्नि भी है, सारे चलायमान, पृथ्वी भी है। आपको पता कितनी तेजी से घूम रही है पृथ्वी? सारी प्रकृति चलायमान है, लेकिन वो किससे चलायमान है? चेतन से। सूर्य भी चलायमान है, चंद्रमा भी चलायमान है, नक्षत्र भी चलायमान है, सब घूम रहे हैं और बहुत फास्ट घूम रहे हैं, बहुत फास्ट गति कर रहे हैं वो। तो ये सब चेतन ने उसको गति दी है, उसकी अपनी गति नहीं है, जड़ की अपनी कोई गति नहीं होती है। ओम दीदी जी, जो यज्ञ का घोड़ा तो देवता ने चोरा था, आया था पीछे, तो वो धरती को क्यों खोदे उनके पुत्र? वो वहीं लेके गए ना, उन्होंने ढूंढने के लिए खोदा पहले, तो ऊपर मिला नहीं कहीं भी, तो सोचा कि कहीं सात लोक नीचे भी है ना, ये पृथ्वी लोक अपना बीच में आता है, इसके ऊपर भी सात लोक, इसके नीचे भी सात लोक, 14 भुवन बताए ना सांख्य में, तो अतल वीतल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ऐसे सात लोक नीचे हैं और ऐसे ही ऊपर भी हैं। आप जो संध्या में बोलते हैं ना ओम भू, भू तो ये लोक हो गया, ओम भुव, ओम स्वः, ओम महा, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम। और आप अपने इस शरीर में भी देखेंगे तो जैसे नाभि है, नाभि के ऊपर भी सप्तलोक हैं, नीचे भी सप्तलोक हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का ही एक मिनी मॉडल हमारा शरीर है, तो इसलिए उन्होंने खोदा कि वो मिला नहीं ऊपर, तो क्या पता नीचे कोई लेके गया हो, तो ऐसे वो उसका खनन करते हुए नीचे पहुंच गए। क्योंकि देवताओं ने चालाकी से अपने स्थान पे रखा नहीं उसको। नहीं, वैसे मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, जो नीचे के लोक हैं वो बहुत निकृष्ट लोक, बुरे लोक हैं, ऐसे नहीं है। पाताल लोक को स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बताया है और दिखता भी है, जो पाताल लोक है और वहां की संस्कृति माया संस्कृति, तो एक दिन बताया था ना, तो वहां ऐसा नहीं है कि वहां सब, और ये जो है यक्ष राक्षस, ये देव योनि में ही आते हैं,